नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के यूनिट वन से टॉपिक सेकंड लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। अभी तक हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है उसके बारे में हम जान चुके हैं, उसके कितने एडिशन आ चुके हैं उसके बारे में जान चुके हैं, और ब्रिटिश फार्माकोपिया उसके बारे में हमने जान लिया है कितने एडिशन हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक करके और देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसपी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता क्या है, दूसरा कितने एडिशन अभी तक आ चुके हैं, और एनुअली कब से पब्लिश होना स्टार्ट हो गई है, एनुअली पब्लिश हो रही है, और कितने देश इसमें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में शामिल हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है यूनाइटेड स्टेट के लिए। ये एनुअली पब्लिश की जाती थी बाय यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा ये एनुअली पब्लिश की जाती है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फॉर द यूएसपी। और ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडमार्क है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपीराइट यूएसपी के लिए काम करता है। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश्ड एज कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फार्मोलरी एंड रिफर्ड एज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डैश एनएफ, जिसे हम नेशनल फार्मोलरी कहते हैं। ये दो कंबाइंड बुक के तरीके से भी पब्लिश होती है। पहला है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसे हम यूएसपी प्लस एनएफ, ये कब से कंबाइन होके पब्लिश हुआ है ये भी हम जानेंगे साथ में इस वीडियो में। नेशनल फार्मोलरी का होता है उसको हम, और उसके वॉल्यूम कितने आ चुके हैं अभी तक उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द सब्जेक्ट टू यूएसपी स्टैंडर्ड इंक्लूड बोथ ह्यूमन ड्रग्स एज वेल एज एनिमल ड्रग्स इन यूएसपी एनएफ। जो नेशनल फार्मोलरी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, इसमें जो है ह्यूमन के लिए जो स्टैंडर्ड तय किया गया है ड्रग का, उसी के साथ साथ जो है एनिमल के लिए भी इसमें स्टैंडर्ड ड्रग का तय किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सर्व्स एज एन ऑफिशियल पब्लिश स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर ऑल प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर और सोल्ड। जो ब्रिटिश यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड बुक है जो कि इस्टेब्लिश करती है अथॉरिटी को, लाइक पब्लिक हेल्थ, पब्लिक स्टैंडर्ड हो सकता है, और साथ में ओवर द काउंटर ड्रग हो सकती हैं उनके बारे में एक स्टैंडर्ड सेट करता है। साथ ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट जिन्हें हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं, उनको उनके बारे में ये स्टैंडर्ड तय करता है कि उससे यदि लोअर क्वालिटी हुई तो उसको आप मार्केट में प्लेस नहीं कर सकते, मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। इट आल्सो रेगुलेट द स्टैंडर्ड फॉर फूड इंग्रेडिएंट एंड डाइट्री सप्लीमेंट। ये साथ ही जो है उसको भी रेगुलेट करता है, फूड इंग्रेडिएंट को हो गया और डाइट्री सप्लीमेंट को हो गया, इन सब के लिए भी स्टैंडर्ड ये सेट करता है। दीज रेगुलेशन इंश्योर द क्वालिटी प्योरिटी स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर पब्लिक कंजप्शन। जो हम लोग कंजप्ट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम खाने वाली चीज़ें ले रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, लाइक क्वालिटी हो गया, प्योरिटी हो गया,
स्ट्रेंथ हो गया, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी है, कितने क्वालिटीदार है, उसकी प्योरिटी कितनी है, 100% प्योरिटी में से कितना परसेंट वो प्योरिटी गेन किए बैठा हुआ है। यदि वो अच्छा प्योर प्रोडक्ट नहीं है, अडल्ट्रेट प्रोडक्ट है, तो वो हमारे लिए यूजफुल कम होगा, हानिकारक ज़्यादा होगा। वहीं पर बात करें स्ट्रेंथ की, तो यदि प्रोडक्ट की अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो लाइफ स्पैन उसका डाउन हो जाएगा, है ना। और साथ ही उसकी कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की बहुत ही मायने रखती है फॉर पब्लिक कंजप्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं कितने स्टेट हमारे जो है, कितने स्टेट नहीं, कितने कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में शामिल हैं। तो अभी तक टोटल 10 कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में शामिल हैं, जैसे कि ब्राजील, ब्राजील का यूएसपी चलता है, चाइना का यूएसपी चलता है, इथोपिया का यूएसपी चलता है, घोना का भी यूएसपी होता है, और भारत का भी यूएसपी चलता है। मेन इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि भारत भी उस कैटेगरी में शामिल है जहाँ पर उन देश 10 देशों में शामिल है, जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राजील, चाइना, इथोपिया, घोना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड। ये 10 बड़ी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में शामिल हैं, और हमारा इंडिया भी उसी में एक है जो कि 5वें नंबर पे आता है। आगे बात करेंगे 1980 के पहले जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हुआ करती थी वो अलग अलग पब्लिश हुआ करती थी। ये नेशनल फार्मूली जो था वो अलग पब्लिश हुआ करता था, नेशनल फार्मूली के वॉल्यूम जितने भी आते थे वो अलग पब्लिश होते थे। वहीं पर बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की, तो वो अलग पब्लिकेशन आया करता था, यूएसपी का अलग पब्लिकेशन हुआ करता था, और यूनाइटेड नेशनल फार्मूली का अलग पब्लिकेशन हुआ करता था। तो 1820 में सबसे पहला एडिशन आया था, तो वहां से चलते 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 1980 तक करीब 31 एडिशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के आ गए थे। उसी के साथ बात करें तो नेशनल फार्मूली की, तो उसमें जो है 14 एडिशन आए थे तब तक। बात को क्लियर रखते चलना, 14 एडिशन आए थे उनके जो है, यूएस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 31 से लेके 31 एडिशन तक हमने लिस्ट सामने आपके दे दी है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एडिशन 1820 में पब्लिश हुआ था, और सेकंड एडिशन 1828 में, थर्ड एडिशन 1830 में, फोर्थ एडिशन 1836 में, फिफ्थ एडिशन 1840, ऐसे ही 31st तक, 31st एडिशन 1979 में ये पब्लिश हो गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके यदि हम मोनोग्राफ चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बहुत शॉर्टली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं 1969 से पहले, 1980 से पहले नेशनल फार्मूलरी के कितने एडिशन पब्लिश हुए थे, तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, टोटल 14 एडिशन पब्लिश हुए थे। कितने? 14 एडिशन पब्लिश हुए थे, जिसके ईयर आपको दिए गए हैं। 1888 में पहला एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 1820 में फर्स्ट यूएसपी आया था, यूएसपी का एडिशन आया था, वहीं पर 1888 में फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी का एडिशन आया था। सेकंड एडिशन 1896 में आया था, थर्ड एडिशन 1906 में आया था, फोर्थ एडिशन 1916 में आया था, फिफ्थ एडिशन 1926 में आया था, सिक्स एडिशन 1936, सेवेंथ एडिशन 1942, एट्थ एडिशन 1946 में आया था, नाइन्थ एडिशन 1950 में आया था, टेंथ एडिशन 1955, इलेवेंथ एडिशन
1960 और 12th एडिशन 1965 और 13th एडिशन 1970 एंड 14th एडिशन 1975 में आ गया था। फिर उसके बाद बात करें 1980 की। 1980 एक ऐसा ईयर है जहां पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी प्लस नेशनल फार्मोलरी ये दोनों मर्ज होके पब्लिश होना स्टार्ट हो गए। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है कि 1980 से जो है हमारा नेशनल फार्मोलरी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया साथ में पब्लिश होना स्टार्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मोलरी कितने अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और कितने एडिशन लेटेस्ट एडिशन उनका क्या है। तो अभी तक आफ्टर मर्जिंग द यूएसपी एंड नेशनल फार्मोलरी तो अभी तक 2024 तक मिला के 47 यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और वहीं पर 42 स्टेट नेशनल फार्मोलरी के एडिशन आ चुके हैं मर्ज होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जब थर्टी फर्स्ट से स्टार्ट खत्म हो गया था तो 21st क्यों लिया गया। वहीं पर बात करें नेशनल फार्मोलरी की तो वहां पर 14 पर खत्म हो गया था, यहाँ पर 16 पे क्यों लिया गया। इस पॉइंट को हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। जब ये चेंजेस किए गए कि दोनों को साथ में हम जो है मर्ज करके पब्लिश करें तब ये बात आई कि जो है उसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इसलिए उसे डिफरेंशिएट करने के लिए उसको जानकारी जुटाने के लिए जो है उसको डिफरेंशिएट हम क्लियरली कर पाएं इसलिए ये चीज़ किया गया कि तो 31st नहीं 21st कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एडिशन और साथ ही नेशनल फार्मोलरी का 16 कर दिया गया, जिससे बीच में एक गैप क्रिएट हो जा रहा है और साथ में जो है चलते जा रहा है। तो पहला एडिशन यहाँ पर 21st एडिशन और नेशनल फार्मोलरी 16 जो आया था 1980 में आया था पहला। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ क्लियर करते चलिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 1985 में 22 और 17 एडिशन आया था, 1990 में 23 और 18 एडिशन आया था, 95 में 24 और 19 एडिशन आया था, 2000 में 25 और 20 जो नेशनल फार्मूली है वो एडिशन आया था 2005 में। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करके चल गया। ठीक है, नेशनल फार्मोलरी 22 हो गया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 28 हो गया, क्योंकि 2002 तक ये जो है एनुअली पब्लिश नहीं हुआ था। एनुअली पब्लिश होना 2002 के बाद स्टार्ट हुआ है। एनुअली कब से पब्लिश होना है, 2002 के बाद। ठीक है, 2002 के बाद एनुअली पब्लिश होना ये नेशनल फार्मोलरी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया साथ में एनुअली पब्लिश होना स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर है, 2010 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 33 और 28 नेशनल फार्मोलरी पब्लिश हुए, 2015 में 38 और 23 पब्लिश हुए, 2020 में 43 और 38 पब्लिश हुए एडिशन और साथ में 2024 में 47 एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूनाइट नेशनल फार्मोलरी का 42वां एडिशन आ चुका है। यही हमारा लेटेस्ट एडिशन है। ये क्या है, हमारा लेटेस्ट एडिशन है। इसको आप क्लियर करके चलिएगा कि लेटेस्ट एडिशन अभी कौन चल रहा है, वो नेशनल फार्मोलरी 42 और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 47 नंबर का चल रहा है। देते हैं साइलेंट फीचर ऑफ लेटेस्ट एडिशन। तो हमारा लेटेस्ट एडिशन है उसके साइलेंट फीचर क्या हैं, तो उसमें तीन चीजें मेनली क्लियरली निकल के आ जाती हैं, मोनोग्राफ, जनरल चैप्टर और एडिशनल रिसोर्सेस। ये तीन चीजें उसमें साइलेंट फीचर के तौर पे ऐड की गई हैं और नई चीजें उसमें एडिंग है। टोटल मोनोग्राफ की बात करें अभी तक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में तो 4900 अभी तक टोटल मोनोग्राफ कंसीडर किए जाते हैं, उसमें इंक्लूडेड हैं जो
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, विद स्पेसिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सब्सटेंसेस एंड डोजेस फॉर्म। जो भी हम डोजेस फॉर्म है उसकी स्पेसिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकाई फाई के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, वो जो है उसमें दिए गए हैं। साथ ही उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी कितने परसेंट होनी चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, और साथ में लेबलिंग कैसे किया गया है, उस चीज़ को हम मोनोग्राफ में इसमें देखते हैं, जो कि 4900 मोनोग्राफ अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। जनरल चैप्टर की बात करें तो इसमें 330 जनरल चैप्टर हैं टोटल, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एसे करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और प्रोसीड करने के लिए। ये जो है 330 जनरल चैप्टर हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करते रहते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें कुछ जो है सेक्शन ऑन रिएजेंट, इंडिकेटर, सॉल्यूशन, पल्स प्लस रेफरेंस टैबलेट, ठीक है, टेबल्स। तो इसमें एडिशनल रिसोर्स रिएजेंट के बारे में यूज किया गया है, बताया गया है, इंडिकेटर कौन कौन से होने चाहिए, क्या क्या इंडिकेटर का रोल होता है, इन सब के बारे में बताया गया है, और सॉल्यूशन प्लस रेफरेंस, ये सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट एडिशन के मोनोग्राफ एडिशनल चीज में ऐड कर दिया गया है। हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है लेटेस्ट एडिशन के साथ, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लोगों के साथ साझा कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में सभी लोग प्यार और सौहार्द का दीपोत्सव मनाते रहिए। धन्यवाद।